बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो जिस टॉपिक के ऊपर है, हमारे उस टॉपिक का नेम है स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। स्ट्रीम एंड रिवर्स क्या होते हैं, इनके अंदर कौन कौन से प्लांट, कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, स्ट्रीम एंड रिवर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हम अपने इस लेक्चर में जो है उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखते हैं स्ट्रीम्स और रिवर्स क्या होते हैं। द फ्रेश वाटर बॉडीज इन विच वाटर मूव कंटिन्यूअसली, ऐसी फ्रेश वाटर बॉडीज जिनके अंदर वाटर कंटिन्यूअसली मूव कर रहा होता है इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, हम उसको कहते हैं ये स्ट्रीम्स या रिवर्स हैं। द हेड वाटर ऑफ स्ट्रीम इज कोल्ड एंड क्लियर, यानी कि जो स्ट्रीम और रिवर्स का हेड पोर्शन होता है, स्टार्टिंग पोर्शन होता है, वो कोल्ड होता है और क्लियर होता है। इट कैरीज लिटिल सेडिमेंट्स एंड फ्यू न्यूट्रिएंट्स, उधर जो है फ्यू सेडिमेंट्स होते हैं क्योंकि उधर वाटर शालो करता रहता है, तो सेडिमेंट्स उधर एक जगह पे ठहर नहीं पाते, तो इस वजह से न्यूट्रिएंट्स और सेडिमेंट्स की अमाउंट जो है वो उधर लो होती है। नुमेरियस ट्राइब्यूटरीज जॉइन टू फॉर्म अ रिवर फार्दर डाउन स्ट्रीम, बहुत सी ट्राइब्यूटरीज यानी बहुत सारे और छोटी छोटी नदियां जो है वो उसको ज्वाइन करती हैं, ट्राइब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं वो, और उसको फर्दर डाउन कर देती हैं स्ट्रीम में। वाटर इज मोर टर्बिड देयर एंड कैरीज मोर सेडिमेंटेशन एंड न्यूट्रिएंट, जैसे जैसे वो स्ट्रीम में चेंज होता है और डाउन जाते हैं थोड़े गहरे पानी में, तो उधर हमारे पास वाटर जो है वो टर्बिड होना स्टार्ट हो जाता है और उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट भी जो है वो ज्यादा हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लो ऑफ वाटर, कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है उनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट आ जाती है फ्लो ऑफ वाटर। तो वाटर कैसे फ्लो करता है, मेनी फैक्टर इन्फ्लुएंस द फ्लो ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एट ऑक्सीजन कंटेंट एंड टर्बिडिटी ऑफ स्ट्रीम एंड रिवर, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि इसको इन्फ्लुएंस करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन के कंटेंट को, स्ट्रीम और रिवर की टर्बिडिटी को। तो उसमें फर्स्ट वन जो हमारे पास आ जाता है वो हमारा है रिफर। द शालो वाटर मूव रैपिडली ओवर अ रफ बॉटम, रफ बॉटम के ऊपर शालो वाटर जो है वो बहुत तेजी से मूव कर रहा होता है। सरफेस रिफल शोज द टर्बुलेंट फ्लो ऑफ वाटर, सरफेस रिफल जो है वो शो करवाती है टर्बुलेंट फ्लो ऑफ वाटर, उधर वाटर बहुत टर्बुलेंट होता है, फ्लो भी उसका तेज होता है। जैसे जैसे डीप वाटर की तरफ मूव करते जाएंगे स्लोली ओवर द स्मूथ बॉटम, तो उधर जो है वाटर जो है वो स्लो है वो। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाते हैं पूल, पूल जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं। डीप वाटर मूव रैपिडली ओवर अ फ्लैट बॉटम, डीप वाटर जो है वो रैपिडली मूव करता है ओवर द फ्लैट बॉटम के ऊपर, फ्लैट बॉटम और सरफेस के ऊपर डीप वाटर जो है वो ज्यादा तेजी से पूल के अंदर जो है वो मूव करता है। अब हम स्ट्रीम्स और रिवर्स की जो है वो कुछ देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, के स्ट्रीम और रिवर्स के अंदर जो है वो क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो हो सकती हैं। तो फर्स्ट वन उसकी जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है उसमें हमारे पास है फॉलन लीव्स फ्रॉम डेंस एरिया में जो फॉलन लीव्स होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो है वो उधर प्रेजेंट होता है, इरोजन ऑफ रॉक जो है वो भी इंक्रीज कर देती है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को, जब वाटर रॉक्स के साथ फ्लो करता हुआ आ रहा होता है इरोजन हो रही होती है तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट भी उधर ज्यादा हो जाती है। टर्बुलेंट फ्लो जो होता है वो क्या कर देता है, ऑक्सीजनेट करता है वाटर को, जैसे जैसे वाटर जो है वो शालो होगा टर्बुलेंट होगा उसमें लहरें क्रिएट होंगी, ज्यादा मूविंग वाटर होगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट भी उतनी ही ज्यादा होगी। मर्की वाटर अगर होगा थोड़ा गंदा होगा उसमें मड वगैरह होगा तो उसके अंदर जो है वो कंटेन करता है लिटिल ऑक्सीजन, उसके अंदर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो लिटिल होती है। टेम्परेचर ऑफ वाटर जो है वो वेरी करता रहता है एल्टीट्यूड और लैटीट्यूड के अकॉर्डिंग। उसके बाद अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो सीजनली इंक्रीज और डिक्रीज जो है वाटर में की अमाउंट में हो रहा होता है। सीजनली कैसे होता है कि अगर रेनफॉल वाले सीजन है और तो उसमें जो है वो अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा होगी, और अगर जो है वो समर है तो समर में स्नो मेल्ट करती है तो स्नो के मेल्ट होने की वजह से भी रेन के जो स्नो मेल्ट होने की वजह से भी वाटर की अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। थर्ड वन जो हमारे पास है वो हम देखेंगे कि स्ट्रीम और रिवर्स के अंदर कौन कौन से ऑटोट्रॉफ्स हैं वो मौजूद होते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था ऑटोट्रॉफ वो है जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें हमारे पास फोटोसिंथेटिक प्लांट्स आ जाते हैं या फिर फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो अपनी फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं। तो देखते हैं कि स्ट्रीम और रिवर्स के अंदर कौन से ऐसे ऑटोट्रॉफ हैं जो पाए जाते हैं। ऑटोट्रॉफ जो है वो रिवर और स्ट्रीम के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं स्मॉल ऑर्गेनिज्म वॉश्ड आउट बाय फ्लो ऑफ वाटर,
मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारे पास ये स्ट्रीम एंड रिवर है, इनमें वाटर का फ्लो जो है वो बहुत ज्यादा तेज होता है, तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसके साथ ही मूव वॉश आउट हो जाते हैं वाटर के फ्लो की वजह से। तो फास्ट फ्लोइंग जो होता है स्ट्रीम और रिवर डू नॉट सपोर्ट स्टेशनरी प्लांकटन कम्युनिटीज। तो ये हमारे पास जो स्ट्रीम और रिवर्स है इनके फ्लो ऑफ वाटर जो है वो ज्यादा होने की वजह से प्लांकटन कम्युनिटीज को सपोर्ट नहीं करता। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस होती है वो किधर होती है, जो अटैच्ड एल्जी या फिर रूटेड प्लांट्स जो है उनके थ्रू हो रही होती है। ये उनके अंदर जो है वो ऑटोट्रॉफ जो है वो प्रेजेंट होते हैं स्ट्रीम और रिवर के अंदर। इट सपोर्ट फूड चेन, और यही जो है वो फूड चेन को सपोर्ट कर रहे होते हैं। डेंस वेजिटेशन ऑन बैंक ऑफ नैरो स्ट्रीम ब्लॉक सनलाइट। अगर डेंस वेजिटेशन उधर हो जाए तो डेंस वेजिटेशन क्या करती है, डेंस वेजिटेशन जो है वो स्ट्रीम को ब्लॉक कर देती है कि उधर सनलाइट स्ट्रीम के अंदर नहीं पहुंच सकती। हाई कंसंट्रेशन ऑफ सिल्ट नियर माउथ ऑफ रिवर, अगर रिवर के माउथ के साथ जो है वो हाई कंसंट्रेशन सिल्ट की हो जाए, मड वगैरह इकट्ठा हो जाए, तो उसकी टर्बिडिटी जो है वो भी अफेक्ट होती है। ऑल्सो ब्लॉक द पैसेज ऑफ लाइट, ये लाइट के पैसेज को भी ब्लॉक कर देती है, मेक फोटोसिंथेसिस डिफिकल्ट, और फोटोसिंथेसिस का होना जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एनिमल प्रोडक्शन जो है वो स्ट्रीम और रिवर में कौन कौन सी होती है। तो इधर ड्रामेटिक वेरिएशन है हमारे पास के फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ स्ट्रीम एंड रिवर्स के ऊपर। ड्रामेटिक वेरिएशन इन फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ स्ट्रीम एंड रिवर, ड्रामेटिक वेरिएशन है स्ट्रीम और रिवर के फिजिकल इन्वायरमेंट के ऊपर। देयरफॉर कंपोजिशन ऑफ एनिमल कम्युनिटीज वेरी सिग्निफिकेंटली, इसलिए एनिमल की जो कम्युनिटीज है वो सिग्निफिकेंटली वेरी करती है। जो है वो सिग्निफिकेंटली क्यों ये जो है वेरी करती है, हेड से जो है वो स्ट्रीम के हेड पोर्शन से माउथ, रिवर का जो माउथ है उधर ये वेरी करती है। अब सम फिशेज, अब हमारे पास जो है सम फिशेज लाइक ट्राउट, ट्राउट हमारे पास फिश की एक टाइप है जो कि प्रेजेंट होती है कूलर टेम्परेचर में हाई ऑक्सीजन और क्लियर वाटर के अंदर जो है ये प्रेजेंट होती है। और कुछ आ जाती है हमारे पास कैट फिशेज कार्प, ये अबंडेंट होती है वार्मर वाटर में और मर्कियर वाटर में, ठीक है। फर्दर डाउन स्ट्रीम जैसे जैसे हम डाउन की तरफ जाते हैं तो उधर हमारे पास कैट फिश और कार्प जो है ये प्रेजेंट होती है। उसके बाद मैनी लार्ज रिवर, जो बहुत ज्यादा लार्ज रिवर होते हैं वो अपने अंदर इनहेबिटेड किए होते हैं वराइटी ऑफ टर्टल को, स्नेक को और क्रोकोडिलियंस को, ठीक है। उनके अंदर क्रोकोडाइल की वराइटी, स्नेक और टर्टल की आ जाती है। तो इस तरह से देखें ये तीनों अलग अलग जो है वो जगहों पर सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो आपने इधर देखा कि ये तीनों अलग अलग जगहों पर सर्वाइव कर रहे हैं, इनको अलग अलग इन्वायरमेंट चाहिए, इस वजह से इधर ड्रामेटिक वेरिएशन है स्ट्रीम और रिवर्स के अंदर कि अलग अलग जगहों पर ये एनिमल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जस्ट लाइक ट्राउट तो वो कूलर टेम्परेचर, हाई वाटर और क्लियर वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है, कैटफिश है तो वो मर्कियर और वार्मर वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इस वजह से कैटफिश जो है वो कूलर टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकती, या फिर ट्राउट जो है वो वार्मर वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकती। तो इसी तरह से लार्ज रिवर जो है उन्होंने अपने अंदर टर्टल, कुछ स्नेक और क्रोकोडिलियंस की स्पीशीज को जो है वो इनहेबिटेड किए होते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था हमारे स्ट्रीम और रिवर्स के ऊपर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी में भी आपको नोट आ सकता है, आपको ये जो है वो नोट लिखने के लिए आ सकता है। पिछले लेक्चर की तरह ये वाला लेक्चर भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस लेक्चर को देखें। किसी को कोई कंफ्यूजन है या किसी हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करे। उसके साथ साथ मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में शो कर दिया है, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, और कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप मुझे उधर जो है वो मैसेज कर सकते हैं।